हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे नरेशन। अब नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ना पड़ता है, वॉइस भी ऐसा टॉपिक है जो पढ़ना पड़ेगा, और टेंस को तो कहिए मत। सबसे पहले तो टेंस से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद वॉइस और नरेशन पढ़िए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन टेंस पढ़ने के बाद अब आता है नरेशन। अब नरेशन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए इसको थोड़ा सा जानते हैं डीप से। तो नरेशन जो वर्ड है वो नैरेट से बना है, ठीक है। अब नैरेट से बना है ये नरेशन, और नैरेट का मीनिंग होता है, नैरेट यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब हो गया यानी वर्ब हो गया, और इसका मीनिंग होता है टू से या टू स्टेट यानी कहना। तो कहना जो है नैरेट का हिंदी मीनिंग है। तो फिर नरेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो नरेशन क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। ये नाउन है, इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा स्टेटमेंट या अ डिक्लरेशन, ठीक है, अ डिक्लरेशन। तो स्टेटमेंट या अ डिक्लरेशन इसका सिनोनिम्स है, ठीक है, नरेशन का। अब बात करते हैं कि नरेशन होता क्या है, नरेशन कहेंगे कि इसको। तो नरेशन कथन जो होता है, कथन को दो ही तरीके से कहा जा सकता है। एक तो स्पीकर के स्टेटमेंट को उसी के भाषा में या शब्दों में कहना, और सेकेंड स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने भाषा में या शब्दों में कहना, ये दूसरा तरीका हो गया। तो जो पहला तरीका होता है, अर्थात कहने का अर्थ हो गया कि जब स्पीकर के स्टेटमेंट को हम लोग उसी के भाषा में कह देते हैं तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और अगर स्पीकर के स्टेटमेंट को हम लोग अपने शब्दों में या भाषा में एक्सप्रेस कर देते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो नरेशन क्या है, कथन है, ठीक है, क्या है, कथन। तो इसमें जो है दो टाइप का, यानी कह सकते हैं कि ये जो है इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो डायरेक्ट स्पीच और सेकेंड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी नरेशन दो टाइप का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट में भी दो टाइप होता है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में भी दो टाइप होता है, जिसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और सेकेंड है रिपोर्टेड स्पीच। ये दो पार्ट है डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। अब यह रिपोर्टिंग स्पीच जो है और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा श्वेता सेड आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। तो श्वेता सेड, श्वेता ने कहा मैं बिजी हूँ। तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया और ये वाला सेकेंड पार्ट हो गया। तो इस वाला पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है, ठीक है, जिसका इनडायरेक्ट यहीं से शुरू होता है। तो इनडायरेक्ट जब शुरू होगा तो नरेशन इसी पर है, भट्ट कुमार के जो अंदर है इसी का सारा खेल है, नरेशन इसी पर बेस्ड है। इसके अंदर का जो सेंटेंस है उसको पहचानना पड़ता है, तभी नरेशन बनता है। इधर को कहिए मत, इधर कोई उतना हार्ड नहीं है, इसको बस थोड़ा सा सेड वाला जो होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। अब सेड के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके बाद भी ये बन जाता है, लेकिन इसके बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो यही लिखाता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया इन्वर्टेड कॉमास, YMBG है। तो IMBG है, इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर श्वेता जो है, श्वेता क्या हो गया, क्या हो गया है, सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, किसका सब्जेक्ट हुआ, इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। सेड का सब्जेक्ट क्या हो गया, सेड का क्या हो गया,
श्वेता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गई। इसको हम लोग रिपोर्टर भी बोलेंगे, ठीक है, रिपोर्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, रिपोर्टर भी है। और सेड क्या है, तो सेड हमारा क्या है, वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और यदि इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है जैसे टू मी, ठीक है, तो टू मी यहाँ पर मी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसका, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इतना सब जानने के बाद आगे चलते हैं, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में कुछ है खास नहीं है, बस ये इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है। बात करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, करेंगे क्या कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जा सकता है और किस तरह से बदला जाता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर बदलने के लिए सबसे पहले दो रूल पढ़ना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा आपको जनरल रूल, ठीक है, जनरल रूल, और सेकेंड पढ़ना पड़ेगा आपको स्पेशल रूल, ठीक है, स्पेशल रूल। अब ये दोनों रूल पढ़ेंगे तो लगभग नरेशन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये जनरल रूल, जनरल रूल्स के अंदर भी तीन चीज़ पढ़ना होता है। एक तो पढ़ना होता है कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, और सेकेंड है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस का परिवर्तन, और थर्ड है अदर पार्ट्स चेंज होता है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर चेंज ऑफ पर्सन जो है, अब पर्सन तो पता होगा कि पर्सन तीन टाइप का होता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड होता है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यानी फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन, इसमें सिंगुलर प्लूरल दो होता है, जिसमें आई जो होता है वो सिंगुलर होता है और बी जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा, ये कोई कठिन नहीं है, ये पहले के पढ़ा हुआ चीज़ है। अब सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अब थर्ड में थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर में ही सी इट या वन नेम आता है, ठीक है, तो वो होता है सिंगुलर थर्ड, और इसमें जब दे आ जाता है तो दे होता है प्लूरल, ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल। अब क्वेश्चन है कि जब बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, जैसे एस ओ ए सन फॉर्मूला इस पर यूज होगा करते हैं, ठीक है, सन फॉर्मूला नाम दिया गया है, यानी एस ओ और एन यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ गिनती नहीं है, वन टू थ्री नहीं है, और एस ओ एन सन मतलब कोई तरह यहाँ मीनिंग नहीं होता है, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और एन मतलब नो चेंज, और यहाँ पर वन यानी फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकेंड पर्सन हो गया, और ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, ये इसका मीनिंग है, वन टू थ्री नहीं है। अब यहाँ पर एस ओ एन जो है इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, ठीक है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और इसको रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर जो है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अभी कुछ आएगा जाएगा नहीं जब तक इसको एग्जांपल नहीं समझेंगे, तो अभी इसको जितना मैं कह रहा हूँ उतना पहले आप सुनिए, उसके बाद आगे चलेंगे। तो का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग स्पीच कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था, श्वेता सेड टू मी आई एम बिजी, ठीक है। अब यहाँ पर श्वेता जो है ये तो लिखा गया, ठीक है, श्वेता, और सेड जो होता है, जब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए, सेड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हो
यानी सेट प्लस कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो सेट टू के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो सेट जो होता है टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, टोल्ड में हो जाता है ये, और से हो जाता है टेल में, और टी ई डबल एल टेल, और सेज जो है वो टेल्स में हो जाता है, ठीक है। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तब, ठीक है, न तो नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये नहीं होगा टेल, और टेल्स टोल्ड नहीं होगा।